हमारे मित्र और वरिष्ठ लेखक और कई जिम्मेदारी पर जिन्होंने अपने को साबित किया है, गिरीश्वर मिश्रा जी, मंच पर बैठे सभी अधिकारी वर्ग और सम्मानित आए हमारे अतिथिगण, मैं देखता हूँ देश और विदेश से हमारे बहुत सारे अतिथिगण आए हैं हमारे गुरु जी के साथ भी, और उपस्थित सभी देश भर के बताया कि 600 से भी अधिक मेरे प्रकाशक तो भाई और बहन यहाँ उपस्थित हैं, और पीछे मैं देख रहा हूँ कि मेरे छात्र जो जिनमें उत्सुकता है, मेरे शोध छात्र होंगे, पढ़ने वाले रुचि के लोग होंगे जो जिनके लिए ये मेला उनकी जिंदगी का एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, ऐसे सभी उपस्थित भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ, इस अवसर पर स्वागत करना चाहता हूँ। और जो आज के लिए विश्व पुस्तक मेला और जो NVT के द्वारा हर वर्ष लगभग आयोजित होता है, आज से शुरू हो रहा है, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम एक विश्व के ऐसी शक्ति के बीच बैठे हुए हैं जो कुछ भी करा सकती है, उसके लिए सब कुछ संभव है, जो आसमान जमीन पर खड़े होकर के आसमान को छूने का मादा पैदा कर सकती है, क्योंकि विचार ही है व्यक्ति को जो उठाता है, विचार ही जो व्यक्ति को गिराता है, विचार है तो व्यक्ति है, विचार नहीं तो पत्थर है, और इसलिए ये जो विचार का एक महाकुंभ यहाँ शुरू हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, और देश और दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि ये जो देश है भारत, ये विश्व गुरु राय है, हमारे बारे में कहा गया ये तो देश प्रसूत से सकाशात जगमना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानव, पूरी दुनिया के लोगों ने यहाँ आकर को सीखा है, ज्ञान विज्ञान नवाचार संवेदनाएं पारस्परिक प्रेम त्याग समर्पण क्या नहीं सीखा है, सब कुछ तो यहाँ पर इतना बड़ा पुंज है, शक्ति का पुंज, जो जितना लेना चाहे वो ले सकता है। मैं विशेष करके अपनी युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा, ये देश यंग इंडिया की आगामी 25 वर्षों तक भारत पूरी दुनिया की युवा शक्ति रहने वाला है, युवाओं के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, कौन सा रास्ता तय करना चाहते हैं, कौन सा उनका लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है वो विचारों को गुजरता है, विचारों से होकर के, और आज इन विचारों का पुंज दुनिया के सबसे बड़ा ये पुस्तक का मेला आपके बीच है। मैं जरूर चाहूंगा, मेला मिलन को बोलते हैं, मिलन एक नई सृजन को पैदा करता है, जब दो चीजें आपस में मिलते हैं, तीन चीजें आपस में मिलते हैं, असंख्य चीजें आपस में मिलते हैं, तो एक नई चीज को पैदा करते हैं, वो नई चीज जो नई खोज के साथ, नए अनुसंधान के साथ, नई ताकत के साथ सृजन का काम करती है, उस नई चीज को लेकर आप जरूर यहां से जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मेरे जो अतिथिगण बाहर से आए हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं, और मेरे युवाओं में ये कहना चाहता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने जो आज विषय रखा है, गांधी 150 हम मना रहे हैं, ऐसे वक्त पर मना रहे हैं गांधी को जब पूरी दुनिया गांधी जी को याद कर रही है, गांधी जी का सत्य प्रेम और अहिंसा, और आपने कहा गांधी लेखकों के भी लेखक मेरे यहाँ पर सभी वरिष्ठ साहित्यकार आए हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण और अपने जिंदगी का एक एक कण उस सृजन में समाहित किया है। मुझे बहुत सारे मुझे वक्त होता तो उनके मैं चरण स्पर्श करने के लिए कुछ देर यहाँ रुकता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गांधी की जरूरत है आज दुनिया को, व्यक्ति को ही नहीं, समाज को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को आज मेरी गांधी की जरूरत है, क्योंकि सत्य प्रेम और अहिंसा ये तीन ही व्यक्ति के पास है, जिस व्यक्ति के पास, जिस समाज के पास, जिस राष्ट्र के पास न प्रेम है, न उसमें सच्चाई में खड़े होने का मादा है, और न उसमें समर्पण है, त्याग है, तो वो इंसान, वो समाज और राष्ट्र रहते हुए भी पत्थर के समान है, और इसलिए
जबकि पूरी दुनिया में एक और आतंकवाद की घटनाएं घट रही हो, दूसरे में आपसी सामंजस्य को हट करके लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की दूरी पर खड़े हो गए हों, ऐसे समय में जब सौहार्दता का वातावरण के लिए चुनौती हो, ऐसे ही वक्त पर गांधी जी पूरी दुनिया को याद आते हैं। और गांधी का जो सत्य है प्रेम और अहिंसा है, सत्य पर चलते हुए, क्योंकि हमने हमेशा कहा असतो मा सद्गमयः, मृत्योर्मा अमृतम गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, हमने अंधेरे को चीर करके प्रकाश दिया है। असत्य पर सत्य की विजय को प्राप्त करने के लिए हर चुनौती को स्वीकार किया है, और हमने मौत को भी मार करके नए जीवन और अमृत पाने की न केवल इच्छा की है, बल्कि उसको और आगे बढ़ाने की अभिप्सा हमारे मन के अंदर रही है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ, ये देश जो इसका ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और जो इसका साहित्य है, जरूर उस साहित्य को आगे बढ़ना चाहिए। वो संस्कार पैदा करेगा, वो एक नई दिशा देगा, उसमें सामर्थ्य है। हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान और विज्ञान समाहित है, और आज के मनुष्य को उसकी जरूरत है। हम लोग एक और अयम निजा परोमिति गणना लघु चिंता उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब कम का है। पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानने वाला हिंदुस्तान पूरी दुनिया को अपने बाहों में लेकर आगे बढ़ने की अभिप्सा रखता है। ये है हमारा चिंतन, ये हमारा विचार। हमारा विचार खंडित करने वाला विचार नहीं है, समाज को तोड़ने वाला विचार नहीं है, छोटी मानसिकता वाला विचार नहीं है। हाँ, मैं अटल जी की कविता जरूर कहना चाहूंगा। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। छोटे मन वाला, छोटे विचार वाला बड़ा कभी नहीं हो सकता है। बड़ा बनना है तो बड़ा विचार चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा धैर्य भी चाहिए। और बड़ा संघर्ष, बड़ा धैर्य, बड़ा विचार, बड़ा दिल, बड़ा मन इन किताबों से ही आएगा। जो ये साहित्य है, ये सबसे बड़ा मित्र है दुनिया का, सबसे किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि गीता में भी कहा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा, ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा आपको पुस्तकों से, सत्संग से। सत्संग के पास सबका समय नहीं है, विचार भी नहीं होगा, लेकिन पुस्तक तो आपके हाथ में, आप कर सकते हैं ना, आप उसको पकड़ सकते हैं ना, आप ज्ञान की अथाह धारा में बह सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। और इसलिए जो ये परिवेश है, आज मेरे सभी यहाँ प्रकाशक बंधु बैठे हुए हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसी पुस्तकों का आधार होना चाहिए। और ये जो जो न्यास है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इसको विभिन्न कलाओं के, विभिन्न विषयों के, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुसंधान के, ऐसे सरल और सहज भाषा में विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो ई पुस्तक के रूप में हो और चाहे वो किसी न किसी रूप में, क्योंकि आज सोशल मीडिया इस समय हर व्यक्ति के हाथ में है, और जब खाई रहती है तो उसमें कोई ना कोई स्थान बनता है, उस खाई को पाटने की आज जरूरत है। क्योंकि पुस्तकों से लोग दूर हो रहे हैं, जब जब पुस्तकों से दूर होंगे, जब जब लोग विचारों से दूर होंगे, जब अपनी प्रकृति और अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप लोग काम नहीं करेंगे तो विकृति पैदा होगी। और इस विकृति को रोकना है तो उसके लिए सबसे सशक्त साधन हमारे ये पुस्तकें हैं। ये पुस्तक मेले के अवसर पर मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे भरोसा है कि एशिया का सबसे बड़ा, अभी मैंने पूछा था जब मुझे बताया गया कि एशिया का सबसे बड़ा है, तो मैंने कहा फिर दुनिया का बड़ा कौन सा है, तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया मुझे। तो मुझे लगता है क्या ये दुनिया का यदि सबसे बड़ा है, तो जरूर दुनिया को अपनी बाहों में लेकर के, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। अंततो गत्वा लक्ष्य हमारा ये है कि कोई भी धरती पर दुखी नहीं रहना चाहिए, सुख शांति प्रगति की उसकी सीमाओं तक पहुंचाना, पराकाष्ठा तक पहुंचाने का काम इन पुस्तकों का है, इस पुस्तक मेले का है। और एक बार पुनः मैं आयोजकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस विधा से जुड़े बहुत सारे लोग होंगे, मेरे मंच पर भी बहुत सारे हमारे अधिकारी वर्ग बैठे हुए हैं, और सामने मैं देख रहा हूँ कि प्रकाशित है, देश और दुनिया के छोर से आए बहुत सारे लोग हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फलक पर
आज जो बढ़ने वाला ये पुस्तक मेला निश्चित एक ऐसी पहचान बनाएगा जब सृजन की दिशा में मानवता को आगे बढ़ा करके वो बता सकेगा कि हाँ अभी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का ये जो अभियान है ये मानवता का अभियान है, ये ज्ञान और विज्ञान के साथ अनुसंधान के साथ मूल्य परक शिक्षा और संस्कारों का अभियान है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। एक बार पुणे में सभी आयोजकों को और मेरे जो अतिथि आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।